सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब परिवार चाहता है, एक बड़ा भाई चाहता है। सर ये बताइए, अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आप भी जानना चाहते हैं, लाखों जो सुशांत के फैन हैं वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घटना तो घट गई है, और जो आम लोग चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं कि ये पूरा स्थिति स्पष्ट हो कि कौन लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं, कैसे ये घटना घटी, इस घटना तक पहुंचाने वाले कौन हैं, इस स्थिति तक पहुंचाने वाले कौन हैं। सब लोग यही चाहते हैं, और अभी मामला अब सीबीआई के हाथ में चला गया है, तो हम लोगों को एक आशा और उम्मीद जगी है कि एक सही जांच हो पाएगा, और सीबीआई के द्वारा अगर सही जाँच हो जाए तो निश्चित रूप से हर कुछ सामने आ जाएगा, ये हम लोगों को उम्मीद जगी है। सर ये बताइए कि प्राइमरी अगर जांच की बात करें तो जिस समय आत्महत्या हुई थी उस समय कई गलतियां मुंबई पुलिस ने की, ये मानते हैं? देखिए, बिल्कुल ये दिख रहा है, ये सबों को दिखता है, कहीं अगर कोई घटना घटती है तो सबसे पहले उस स्थान को, एक बड़ा मामला जब होता है उस स्थान को सील किया जाता है, वहाँ पुलिस बैठाई जाती है। हम जब वहाँ पहुँचे हैं नेक्स्ट डे तो ना वहाँ कोई पुलिस थी, ना उस कमरे को सील किया गया था, और ना वहाँ के स्टाफों से उस तरह से कोई पूछताछ किया गया, ना FIR दर्ज किया गया, ना किसी पर दोष लगाया गया। और आप कह रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं, आप अभी तक 20-25 लोगों से पूछ भी लिया, भैया हम ये जानना चाहते हैं महाराष्ट्र पुलिस से आपने क्या पूछा, किस बेसिस पर पूछा, क्यों पूछा? अगर आपको लगा कि ये व्यक्ति दोषी है तो कौन सा दोष इस पर आपको आपने तय किया जो आपने गए, आप गए पूछताछ करने के लिए, आपको क्या लगा? आपको पहले दोष तय करना चाहिए, मामले के जर में जाना चाहिए, हर चीज़ों को पहले जानना चाहिए, आरोप एक ढूंढना चाहिए कि इन पर क्या आरोप बनता है, उसके बाद आप पूछताछ शुरू। जब आप उस कमरे में गए, उस घर में गए, तो कई सारी चीज़ें थी जो आपको अटपटा लगी होगी कि ये चीज़ें ऐसी क्यों है और ये क्यों कहा जा रहा है कि आत्महत्या है? देखिए, आज के डेट में हम ही को नहीं लग रहा है, पूरे देश के जो सोचने वाले, जानने वाले, समझने वाले व्यक्ति हैं, जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, सोशल साइट से, फोटोज से, हर कोई सवाल उठा रहे हैं, तरह तरह का। आप देख रहे हैं कि मीडिया में हर चीज़ें आ रही है कि कैसे फंदा में लटक गए, जो कपड़ा लटक रहा है वो है क्या, कोई कह रहा है कि कुर्ता है, कोई कह रहा है दुपट्टा है, कोई कह रहा है शर्ट है, कोई कह रहा है कुछ और है, वो कपड़ा कहाँ से आया, किसका कपड़ा था, कैसे उस पर फांसी लटका, और फांसी जब लटका सारे फोटो जाए, फांसी वाला फोटो किसी के पास नहीं है, वो वीडियो कहीं नहीं है, कैसे उतारा गया, क्यों उतारा गया, ये तमाम चीज़ें एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और कोई टूल नहीं है, पंखे पे आखिर कैसे चढ़ा गया, कैसे लटका गया, और कैसे टिका उस पर, उतना उसका बॉडी 6 फीट का लड़का, सॉलिड बॉडी, कैसे ये चीज़ें हुई, तो इन चीज़ों पर अभी कोई फोकस नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। इन चीज़ों को पहले निकालना चाहिए, उसके बाद ये ठीक, हम सुसाइड ही मानते, कैसे सुसाइड हुआ, क्यों सुसाइड हुआ, इन कारणों के पीछे जाना चाहिए, बाद में आप हत्या पे जाएंगे। हम अगर प्राइमरी आप कह रहे हो कि सुसाइड कर लिया, तो क्यों सुसाइड हुआ, किस परिस्थिति में सुसाइड हुआ, किन किन चीज़ों से सुसाइड में क्या क्या किया गया, इन चीज़ों को पहले आप जब निकालेंगे तो उसके बाद अपने आप राज खुलेगा कि सुसाइड है या मर्डर है। और हमें पूरा यकीन है कि ये मर्डर है और प्री प्लान्ड मर्डर है, ये हम लोगों को यकीन है, और इस चीज़ की पुलिस को अब जाँच करनी चाहिए, और हमें आशा उम्मीद जगी है कि जब ये जाएगी सीबीआई तो हर चीज़ों को जांच करेगी, और अगर इस केस से लिंक्ड कोई और केस है तो उसका भी जांच। दिशा की बात हो रही है, दिशा ने जो आत्महत्या की थी, अब उसका भी लिंक सुशांत से जोड़ा जा रहा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हम समझते हैं कि जो मुंबई के लोग हैं अगर ये चीज़ों को सामने ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अब डॉट जगता है। हमने सोशल साइट पे देखा था कि भाई दिशा साल्यान जो एक्स मैनेजर थी सुशांत सिंह की, उसने आत्महत्या कर ली, तो मुझे उसी समय लगा था कि क्यों आत्महत्या करेगा, कोई एक लड़की है, कोई अच्छी खासी अपने आप को आगे ले जाना कोई चाहता, तो आत्महत्या क्यों लोग करता, मुझे नहीं लगता कि जल्दी लोग आत्महत्या करें, क्यों आत्महत्या करें, तो उस समय थोड़ा सा मुझे लगा था, फिर मुझे लगा कि भाई मुंबई है कहाँ होते रहता है, दिमाग से मैंने बात निकाल दिया, और फिर जस्ट जाके जब सुशांत की घटना घटी तो फिर दोनों घटना दिमाग पे हिट होने लगा,
और उसके बाद फिर वहाँ से जब हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि लोग सवाल उठा रहे हैं, वो लिंक्ड है, सुशांत को उसने फ़ोन किया था, उसने बताया था कि हम खतरे में हैं, सुशांत बोला कि मैं देखता हूँ, और अगले घंटे उसको खबर आ गई कि उसका मर्डर हो गया या उसने आत्महत्या कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि जाँच का विषय है, और जाँच से कई मैंने पर्दे उठेंगे, कई लोगों के चेहरे उजागर होंगे, तो तमाम चीज़ें जो है हम जाँच का विषय है। हम लोग अभी भी किसी पर आरोप नहीं लगा, जिन पर भी आरोप अगर रिया चक्रवर्ती पे एफआईआर किया गया है तो हम अभी भी कह रहे हैं कि हर चीज़ को जांच करके कार्रवाई करें, पुलिस सारा एविडेंस जुटा ले उसके बाद कार्रवाई करें। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग तरफ से कोई गलत काम ना हो, पुलिस को किसी को फंसाए ना, ये हम लोग भी चाहते हैं। सर ये भी सच है कि यूरोप टूर के बाद जब सुशांत लौटे थे इंडिया तो काफ़ी परेशान रहने लगे थे। बिल्कुल, एक स्टाफ जो उसके साथ रहता था पहले, वो जो हम यहाँ भी आया था सहरसा वगैरह गांव में आया था, तो वो हमें बता रहा था कि एक महीने के लिए यूरोप टूर पे गया था, और उस एक महीने में वहाँ भी किसी डॉक्टर से मिलवाया था रिया ने सुशांत को, और किस वजह से मिलाया, कौन सा बीमारी हो गया था, कौन सा मेडिसिन चला, ये सारा जांच का विषय है। और फिर अपने भाई को भी बुलाया वहाँ पे, और फिर तीनों लोग बाद में साथ में आया, और जब से वहाँ से आया है तब से लोग उसके टीम के लोग बता रहे थे कि उसका कुछ बदला एटीट्यूड रहता था, और उसके बाद धीरे धीरे स्टाफ का हटना, स्टाफ का चेंज होना, फिर रिया के हिसाब से उसका लाइफ चलना कि उसको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, मतलब उनकी ज़िंदगी पर रिया पूरी तरीके से हावी हो गई, पूरी तरह 100% उसने अपना ग्रिप बना लिया। तो ग्रिप बनाने के लिए उसने क्या क्या किया, पहले कौन सा खड्यंत्र किया ये, और फिर ग्रिप बना के कौन कौन सा काम किया, कौन कौन सा चीज़ चेंज किया, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। सर ये भी है कि आप कह रहे हैं कि पूरा जो घर का स्टाफ था वो बदल गया था, तो इस स्थिति में स्टाफ पर कैसे भरोसा किया जाए, जो स्टाफ हैं उनकी भी जो स्थिति है वह डाउटफुल है। बिल्कुल, स्टाफ तो डाउटफुल स्थिति में है ही, जो पुराने स्टाफ को हटाया गया, नया प्लेसमेंट, अगर हमारे हिसाब से किसी का प्लेसमेंट होगा, हम किसी को कहीं प्लेस करेंगे तो वो हमारे कॉन्टैक्ट में रहेगा, और हम उसको कुछ बताएंगे जो ऐसा करना वैसा कर रहा हो वो करेगा, तो तमाम जो स्टाफ हैं वो तमाम डाउटफुल है, तमाम से मुस्तैदी से कड़ाई से पूछने की आवश्यकता है, और कड़ाई से हम चाहते हैं कि सब सबसे पूछा जाए और जानकारी इकट्ठा किया जाए। सर ये भी एक सवाल है और काफ़ी डाउटफुल है कि सुशांत अगर घर में सोते थे तो वो दरवाज़ा बंद नहीं करते थे, आपके साथ भी वो करीब एक साल पहले सहरसा आए थे और दो चार दिन आपके साथ रुके भी थे, तो उनका जो व्यवहार था या किस तरीके से वो रहना पसंद करते थे? देखिए बिल्कुल, वो खुला दिल का लड़का था, एकदम बच्चा दिल का लड़का था, हंसना खेलना मुस्कुराना कूदना, इधर मैंने खुले में रहना, बड़ी बड़ी सोचे, चांद तारों की बात करना, चांद को देखना, तारों को देखना, उसमें एक अलग कुछ देखना, तो इस तरह का लड़का था। बंद बंद और अकेले रहना उसको मुझे नहीं लगता कि पसंद था। तो बरांडियर में भी सो जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ। एक दोस्त के साथ कैसे रहा जा सकता है, कोई स्टार वाला उसका ये नहीं था घर आने पर, वही हमारा घर है, हम नीचे बैठ लेंगे, नीचे बैठ के खा लेंगे, नीचे ही सो जाएंगे, कहीं किसी के साथ कोई ये लेवल नहीं कि हमको उसके साथ नहीं बैठना है, इससे नहीं बात करना, बिल्कुल गांव घर बच्चे हर तरह के लोगों के साथ, गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ घूमना फिरना, मैंने उतना ही समय में उसने सबों का दिल जीत के चला गया, सबके दिल पर एक अपना छाप छोड़ के चला गया। एक बड़े भाई को अब भी सुशांत की यादें कितना परेशान करती है? देखिए ये बात हम मैंने बता नहीं सकते हैं कि हमें कितनी परेशानी होगी, और अब की बात नहीं, ये हम लोगों के लिए एक ताउम्र एक बड़ा घाव हो गया, जो मुझे नहीं लगता है कि जीवन भर ये ख़त्म होगा। तब तसल्ली ज़रूर होगी कि अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, सारा कुछ पता चल जाता है कि इसको कैसे मारा गया, तो एक दिल को तसल्ली ज़रूर मिलेगी, बट घाव ख़त्म नहीं होगा। इतना बड़ा स्टार और मैंने हम लोगों के बीच नहीं रहा, ये जीवन भर खलता रहेगा, ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा, यह कहना है परिवार का, बड़े भाई का, लेकिन पूरा परिवार और पूरा देश चाहता है कि इस आत्महत्या या हत्या के पीछे जो भी आरोपी है वह जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।